गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर सेकंड आज स्टार्ट करने वाले हैं, इज मैटर मैटर प्योर अराउंड अस। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो वर्ड आ रहा है मैटर। तो इस मैटर की बात करें कि मैटर क्या है, तो मैटर ऐसी कोई भी चीज जिसको इस स्पेस यानी इस यूनिवर्स के अंदर जो जगह ले रही है और उसके अलावा उसका कुछ भी मास हो, भले ही बहुत कम हो लेकिन उसका मास होना जरूरी है। तो अगर वो जगह ले रही है यानी उसका वॉल्यूम है और मास है तो वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। प्योर का मतलब होता है कि क्या वो शुद्ध है, क्या वो जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। यानी कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें या फिर हमारे एयर की बात करें तो हमारी जो एयर है क्या ये प्योर है। हम जो आज एयर ले रहे हैं वो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन ऑक्सीजन के अलावा हमारे यहाँ तो नाइट्रोजन ही 78% है। तो यानी कि ये हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है क्या ये प्योर है, या फिर कोई भी चीज़ जैसे हम पानी पी रहे हैं तो क्या वो प्योर है, हम खा लंच कर रहे हैं या फिर कहीं भी बाहर जाके खा रहे हैं तो क्या वो प्योर है, या फिर हम कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं या फिर कोई जूस पी रहे हैं तो क्या वो प्योर है। तो यानी कि हमें इन चीज़ों के बारे में और हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं क्या वो प्योर है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास पहली जो चीज़ आती है वो आता है कि मिक्सर क्या होता है। अगर प्योर नहीं है तो क्या है, तो क्या होगा, मिक्सर होगा। तो अगर हम मिक्सर की बात करें यानी कि हमारे जो एनवायरमेंट है, अगर हम सबसे ईजी एग्जाम्पल लें तो वो हमारे एनवायरमेंट का आता है कि हमारा जो एनवायरमेंट है, ये जो हमारा एनवायरनमेंट है यानी कि ये हमारी अर्थ हो गई और ये अर्थ के चारों तरफ क्या हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। ये लेयर्स हो गए एनवायरनमेंट की, इसके अंदर क्या है, एयर है। यानी कि एयर जो हमारी है क्या ये प्योर है, नहीं। इसके अंदर क्या क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और जो भी हीलियम भी हम ले लेते हैं या फिर हम और गैसें ले लें, जैसे हम इसमें डस्ट पार्टिकल है। तो जब इतनी सारी चीजें एक साथ आ रही है तो क्या ये प्योर होगी, नहीं होगी। अगर हम बात करें कि और हम मिक्सर की बात करें तो हम जो चाय बना रहे हैं, क्या चाय कोई मिक्सर है, बिल्कुल। चाय के अंदर हम चाय डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध, या फिर दूध का अगर हम बात करें वो भी एक मिक्सर है। अगर हम बात करें हम सब्जी बना रहे हैं वो भी एक मिक्सर है। हम आटा लगा रहे हैं यानी खाना बनाने के लिए, हमने अगर आटे को गुथा है तो वो भी क्या होगा, एक मिक्सर होगा। तो इस तरीके से हमारे आसपास हम देखते हैं क्या, अगर हम सीमेंट वगैरह जैसे मकान बना रहे हैं तो उसके अंदर जो सीमेंट है वो भी कई सारे पार्टिकल्स का मिक्सर है, केमिकल्स का मिक्सर है, या फिर ये मकान जो हम बना रहे हैं ये भी क्या है, कई सारी चीज़ों से मिलकर बनाया, तो इसको भी हम एक मिक्सर के तौर पर ले सकते हैं। यानी कि मिक्सर जो है हमारे आसपास मैक्सिमम चीज़ें जो है वो किसकी बनी हुई है, मिक्सर की। प्योर सब्सटेंस तो हमारे पास बहुत कम होता है। दूसरी बात करें तो मिक्सर आपका जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है होमोजाइगस मिक्सर और दूसरा होता है हेटरोजाइगस मिक्सर। होमो का मतलब होता है सेम, यानी फिक्स क्वांटिटी के अंदर, यानी किसी मिक्सर के अंदर उसके जो कंपोनेंट हैं वो अगर परफेक्ट, यानी किसके अंदर आ रहे हैं, अगर वो यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन। अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं, कितनी मात्रा, कंपोजिशन को मतलब हम लेंगे मात्रा। यानी कि देखो अगर हम देखें तो जब किसी मिक्सर के अंदर उसकी मात्रा फिक्स होती है, जैसे अगर हम स्टील बना रहे हैं तो स्टील के अंदर जैसे हमने किसी चैप्टर में देखा कि स्टील के लिए हमें आयरन चाहिए या फिर उसके लिए हमें जिंक वगैरह चाहिए, तो वो चीज़ें फिक्स क्वांटिटी के अंदर ही होती है। ये नहीं कि हमने आयरन कम ले लिया या ज़्यादा ले लिया तो हमारा स्टील बन जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे सॉल्ट जो हम ले रहे हैं, सॉल्ट प्लस जो वाटर है ये भी क्या है, एक यूनिफॉर्म मिक्सर होता है। लेकिन सॉल्ट वाटर और शुगर का जो मिक्सर होता है वो हमारा कैसा होता है, हेटरोजाइगस। अच्छा ऑयल, और अगर हम बात करें ऑयल प्लस वाटर का जो मिक्सर होगा वो कैसा होगा, हेटरोजाइगस, क्योंकि इनकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं है। यानी वो यूनिफॉर्म का मतलब होता है फिक्स, यानी इतनी ही मात्रा में हमें हमेशा लेनी होती तभी हमारा वो मिक्सर बनेगा, वरना वो मिक्सर होमोजाइगस नहीं बनेगा।
तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है तो वो क्या होगी, होमोजाइगस मिक्सर होगा, और अगर उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है तो वो कैसा होगा, हेटरोजाइगस होगा। अगर हम आगे देखते हैं तो मिक्सर कंसिस्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कॉमन सोल्ट आयरन पाउडर, यानी कि NaCl और आयरन जो पाउडर होता है, आयरन पाउडर जो होता है, इसका जो मिक्सर होता है वो भी कैसा होता है आपका, हेट्रो का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे दो सॉल्यूशन है और दो सॉल्यूशन मिक्सर का अगर वो क्वांटिटी फिक्स है, दोनों की सेम है, तो वो क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे, और अगर अलग-अलग है तो वो क्या होगा आपका, हेट्रोजाइगस। उसके बाद अगला चीज आती है, वो आती है हमारे पास सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि होमोजाइगस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को हम मिलाते हैं किसके अंदर, होमोजाइगस मिक्सचर के अंदर। अगर इस होमोजाइगस मिक्सचर के अंदर हम किसी चीज को मिलाते हैं, दो या दो से ज्यादा सी सब्सटेंस को मिलाते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा, सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्यूट, एक होती है सॉल्वेंट। जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है, और जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो हम मिल्क, शुगर मिल्क पीते हैं, ठीक है, शुगर मिल्क पीते हैं। तो अगर इस शुगर मिल्क की हम बात करें तो इस शुगर में क्या क्या होता है, शुगर होती है और साथ में क्या होता है, मिल्क होता है। अब ज्यादा क्वांटिटी में कौन होता है, शुगर होती है, मिल्क होता है, मिल्क होता है। तो मिल्क तो क्या होगा आपका, सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या होगा आपका, शुगर। अच्छा, हम बात करते हैं नमक के पानी की, यानी NaCl वाटर। तो NaCl वाटर के अंदर NaCl ज्यादा मात्रा में होगा या पानी ज्यादा मात्रा में होगा, पानी होगा। इसलिए जो पानी है ये तो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, और जो NaCl होगा वो हमारा सॉल्यूट कहलाएगा। वापस से हम सॉल्यूशन को दो भागों में बांटते हैं, होमोजीनस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले हम कुछ सॉलिड के सॉल्यूशंस की बात करेंगे, जैसे सॉलिड सॉल्यूशन कौन से होते हैं, या फिर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें या गैसीय सॉल्यूशन की बात करें। तो अगर हम बात करें, अच्छा, शुगर जो सॉल्यूशन ऑफ वाटर है, या फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर हो गया, या विनेगर की हम बात करें तो विनेगर भी क्या है, एक सॉल्यूशन है। विनेगर कैसे बनता है, विनेगर हमारा सिरका, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सिरका, जो हमारे घरों में अचार वगैरह डालने के काम में आता है। तो ये क्या होता है कि एसिटिक एसिड प्लस वाटर जो होता है वो क्या होता है हमारा, विनेगर होता है। इन दोनों का जो मिक्सर होता है वो विनेगर होता है। अच्छा, कुछ मिक्सर्स हमारे पास दिए हुए हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो गैस के अंदर, गैस का कोई मिक्सर की अगर हम बात करें तो जैसे ऑक्सीजन और ये हमारा जो एनवायरनमेंट है, ये सब क्या है, गैस का ही तो मिक्सर है। इसमें बहुत सारी अलग अलग गैसें हैं, तो ये क्या होगा, गैस का मिक्सर होगा। होमोजाइगस होगा या हेटरोजाइगस होगा, इसमें सारे कंपोजिशन फिक्स है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.78% है, CO2 0.03% है। तो उनकी सारी की कंपोजिशन क्या है, फिक्स है। और अगर कंपोजिशन फिक्स होगी तो वो कैसा मिक्सर होगा, होमोजाइगस मिक्सर होगा। दूसरी अगर हम बात करें तो एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर का मतलब होता है पानी के अंदर जो CO2 की मात्रा है वही हमारा क्या होगा, एरेटेड वाटर होगा। और इसकी ये कैसा सॉल्यूशन है, अच्छा देखो, CO2 वाटर यानी एरेटेड वाटर की बात कर रहा है ये। तो CO2 तो क्या हो गई, गैस हो गई, और वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया। यानी गैस इन लिक्विड जो मिक्सर है ये कौन सा होगा आपका, होमोजाइगस मिक्सर होगा। और हम बात करें गैस और सॉल्यूशन सॉलिड का, देखो हमने तीन चीजें आगे अभी तक हमने देख ली, कि तीन चीजों में पहले तो हमने देखी गैस इन गैस, दूसरा हमने देखा गैस इन लिक्विड, और जो तीसरा है वो हमारा गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड का मतलब है कि आपका जो सॉल्वेंट यानी जो स्मॉल क्वांटिटी में आ रहा है वो तो होगा आपका कौन, हाइड्रोजन यानी गैस होनी चाहिए, और जो दूसरा है यानी कि सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में है वो होना चाहिए हमारा कैसा, सॉलिड। तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम जो है ये क्या होगा, एक एग्जांपल होगा किसका, यानी सॉलिड गैस इन सॉलिड का मिक्सर का ये एग्जांपल है। अच्छा, अगले एग्जांपल की हम बात करें,
लिक्विड इनलिक्विड यानी आप लोगों ने देखा होगा घरों में या फिर जो मूवी वगैरह दिखाते हैं उसमें पैक बनाना सिखाते हैं, तो वो पैक कैसे बनाया जाता है? पैक का मतलब क्या होता है कि कुछ क्वांटिटी के अंदर गिलास में क्या ली जाती है, शराब यानी इथाइल अल्कोहल ली जाती है, और कुछ क्वांटिटी में क्या ली जाती है, वाटर। जैसे इतना उन्होंने क्या भर लिया, शराब का भर लिया, तो इसको इतना बाकी का किससे भर लेंगे, वो वाटर से। तो है तो दोनों लिक्विड ही, और यानी लिक्विड का लिक्विड में मिक्सर क्या कहलाता है हमारा, जैसे इथाइल अल्कोहल का वाटर के साथ मिक्सर हो गया। और अगर हम लिक्विड का अगर सॉलिड में बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हमने चीनी घोल ली किसके अंदर, लिक्विड का हम सॉलिड में बात करें सॉरी। तो अगर हम इसकी बात करें तो मरकरी जो है वो लिक्विड है, और उसको हमने किसके अंदर घोल लिया, जिंक के अंदर डाल लिया, तो जिंक अमलगम बन गया, जो उसका अमलग्रेमेटेड, वो किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो हमारे घरों में हम रोजाना देखते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड को मिलाता है क्या, किस किस को, यानी शुगर को हम किस में मिला रहे हैं, वाटर में मिला रहे हैं या फिर मिल्क में मिला रहे हैं। तो शुगर क्या है, सॉलिड है, और लिक्विड कौन है, मिल्क या वाटर कैसे हैं, लिक्विड मटेरियल। तो ये भी क्या होंगे, एक मिक्सर होंगे। अच्छा, अगर हम सॉलिड लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल कोई देखते हैं जो हेटरोजाइगस होगा, तो वो कौन सा है, वाटर प्लस ऑयल। ये जो एग्जांपल है ये किसका है, लिक्विड इन लिक्विड का है, लेकिन हेटरोजाइगस है। और अभी थोड़ी देर पहले जो हमने इथाइल अल्कोहल और जो वाटर का देखा था वो कैसा है, होमोजेनस मिक्सर है। ऐसे ही अगर हम सॉलिड इन सॉलिड का देखते हैं तो एलोई जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, फिक्स, जैसे ब्रास बना रहे हैं तो वो उनकी क्या होती है, क्वांटिटी फिक्स होती है, इसलिए वो कैसे होते हैं, हमारे होमोजीनस मिक्सर होते हैं। सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड के अंदर हमने देखा कि दो चीजें होती है, सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट वो होता है जो कम मात्रा में पाया जाता है, सॉल्वेंट वो होता है, देखो दो चीजें हैं, एक हो गई हमारे पास सॉल्यूट और दूसरी है सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट वो होती है जो स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर है, स्मॉलर क्वांटिटी में है, और जो लार्ज क्वांटिटी में होगी वो क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। और इन दोनों का मिलाकर क्या बनता है, हमारे पास सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो आगे अगर हम चलें तो सॉल्यूशन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे सॉलिड सॉल्यूशन हो गया या फिर लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। जैसे लिक्विड सॉल्यूशन की तो अभी हमने, अच्छा सॉलिड सॉल्वेंट की हम बात करते हैं, जैसे कुछ मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम उसके अंदर सॉलिड बताएंगे, सॉल्वेंट बताएंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे कि वो कौन सी फॉर्म में है, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे मैं पहला अगर आपको एग्जांपल की बात करूं तो जैसे शुगर वाटर है, शुगर वाटर है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें सॉल्यूट कौन होगा, और वो जो सॉल्यूट होगा वो कौन सी फिजिकल फॉर्म में होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें उसका नेम क्या होगा, और उसकी फिजिकल फॉर्म की बात कर रहे हैं। अगर दूसरी हम बात करें सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट का वही नेम क्या होगा और फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर शुगर की बात करते हैं तो इन दोनों में से जो सॉल्यूट यानी जो कम मात्रा में प्रेजेंट है वो कौन होगा, शुगर होगा, तो यहां पर आ जाएगा शुगर। और शुगर कैसा है, सॉलिड होता है, ठीक है। और अगर हम मैं बात करूं सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा, और ये कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आगे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं आपके, तो जैसे यूरिया वाटर हो गया, यूरिया वाटर हो गया, तो यूरिया वाटर के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो यूरिया जो होगा वो तो आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा, फॉर्म वही सॉलिड होगी, वही वाटर होगा और लिक्विड होगा, ठीक है। अगर और हम आगे चलते हैं तो अमोनियम क्लोराइड आता है जिसमें सॉलिड हो गया ये, अच्छा इथाइल अल्कोहल, लेके मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल में एक हो गया इथाइल अल्कोहल और दूसरा हो गया वाटर, यानी इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर यानी इथेनॉल, सॉल्यूट तो कौन हो गया उसमें, इथेनॉल, इथेनॉल, और ये कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, और जो सॉल्वेंट हो गया वो हो गया वाटर, और ये भी कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है।
आगे अगर हम देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर यानी सीओ टू एरेटेड वाटर, इन वाटर की बात करें तो सॉल्यूट तो ये हो गया, कौन हो गया सॉल्यूट, सीओ टू कौन सी फॉर्म में हो गया, गैस फॉर्म में, और ये कौन सा हो गया वाटर, कौन से फॉर्म में हो गया लिक्विड फॉर्म में। तो इस तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, हमें पता लगा सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा कौन सी फॉर्म में पाया जा रहा है, सॉलिड फॉर्म है या लिक्विड फॉर्म है, उस तरीके से हम इनको डिनोट करते हैं। अच्छा एक्वस, इसके बाद में जो सॉल्यूशन आता है वो दो और प्रकार का है, जैसे एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जो पानी, इसके अंदर सॉल्वेंट जो होता है वो पानी होता है, पर अगर सॉल्वेंट आपका पानी नहीं है तो वो कैसा होगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा। उसके बाद में जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉलिड। तो ट्रू सॉलिड की अगर हम बात करें तो ट्रू सॉलिड जो होता है वो होमोजीनस मिक्सचर होता है, यानी उसके अंदर जो कंपोजिशन होती है उनकी क्वांटिटी हमेशा फिक्स होती है। इसके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है इसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, पार्टिकल्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की साइज लगभग बराबर सी होती है। तो हम और साइज जो आपके हम बात करें तो वो होती है 10^-10 मीटर के समथिंग उनकी जो साइज होती है, तो इस वजह से हम उनको अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी आर पार उनके अंदर हम देख सकते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो लाइट को स्केटर भी नहीं करते हैं, यानी उसको जो अलग अलग लाइटों में बांटने का काम है वो भी ये नहीं करते हैं। अगर हम बात करें तो इनको फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के द्वारा, क्योंकि पार्टिकल्स के साइज लगभग क्या होती है, बराबर होती है, जिस वजह से हम इनको छान कर अलग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम कितनी भी सीविंग जो ट्यूब है या जो भी हमारा मटेरियल उसके अंदर दोनों की जब साइज ही बराबर होगी तो वो आपस में छनेंगे नहीं। तो और जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन यानी नीचे भी नहीं बैठते हैं, इस वजह से इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो आज का हमारा टॉपिक ये मिक्सर के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था, मिक्सर क्या होता है, मिक्सर सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, यानी होमोजेनस जो मिक्सर होता है वही सॉल्यूशन बनता है। अब कल की क्लास जो होगी हमारी उसके अंदर हम इसकी कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे, जिससे मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उन सभी चीज़ों के बारे में हम, मोलरिटी मोलरिटी अगर वो हमारे सिलेबस में होंगे तो हम उनके बारे में भी, पार्ट्स पर मिलियन है, फिर सस्पेंशन है, उन सभी चीज़ों के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, क्लास को कंटिन्यू रखें और वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बताइए, हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।